वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मेड रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे द रॉक एंड रोमन रेंस को लेकर, उनका क्या कुछ स्टेटस है इसके बारे में, एंड डिस्कस करने वाले कि क्या गंथर ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस बारे में, एंड सेथ रॉलिंस को लेकर भी मतलब काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई है, जो कि उन्होंने द रॉक को लेकर स्पेशली बहुत कुछ कहा है, एंड साशा बैंक्स एंड और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि एक TNA के सुपरस्टार के रिलीज होने को लेकर। सुपरस्टार तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा हेड में मतलब था, हमें TNA में देखने को मिलता था। अब कौन सी पोजिशन थी एग्जैक्टली वो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर जो TNA के स्कॉट डी मोर, जो कि आप लोगों ने देखा रहेगा कभी ना कभी, मतलब अगर TNA देखा रहेगा तो यहाँ पर एक अनाउंसर के तौर पे देखने को मिलते थे, मैनेजर के तौर पे देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर जो TNA के जो ये स्कॉट डी मोर हैं, इनको रिलीज़ कर दिया गया है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये जो कि वहाँ उस कंपनी के साथ में नहीं देखने को मिलेंगे। पिछले अगर तुम देखोगे तो 2003 से ये TNA के साथ में थे, अब जाके 2024 के अंदर इनको हटा दिया गया है। लगभग 21 साल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इनको TNA के अंदर रखा गया, उसके बाद यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग यानी कि TNA से हटा दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पर इनको लेकर अपडेट देखने को मिल रही है। बाकी अगले अपडेट की तरफ चल लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि साशा बैंक से रिलेटेड है। तो साशा बैंक्स को लेकर आज का जो टोनी खान का स्पेशल अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, वो अनाउंसमेंट ये होता है कि जो 13 मार्च का ऑल एलीट रेसलिंग का शो देखने को मिलेगा, उस वाले शो के अंदर हमें साशा बैंक्स देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल हिंट्स हैं, जो पोस्टर देखने को मिल रहा है अनाउंसमेंट का लेकर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हिंट्स हैं देखने को मिल रहे हैं कि भाई साशा बैंक्स से हमें देखने को मिलेंगी। तो डन है भाई, साशा बैंक्स हमें ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर ही देखने को मिलने वाली हैं। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि AEW से ही रिलेटेड है। तो AEW का जो हमें स्टिंग का मैच देखने को मिलता है आज का डायनामाइट के मेन इवेंट के अंदर, जहाँ पर स्टिंग मैच रसल करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब एक टैग टीम मैच जो कि इन्हीं के बीच में देखने को मिलता है, मतलब जो कि बिग बिल होते हैं, रिकी स्टार्क्स होते हैं और स्टिंग एंड डार्बी एलन होते हैं, जो कि AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। तो यहाँ पर जो स्टिंग एंड जो डार्बी एलन है वो इस चैंपियनशिप को जीत जाते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी खासी बात देखने को मिल रही है। एंड 12 साल बाद हमें यहाँ पर जो ये है ना स्टिंग, वो चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई दिए हैं, तो अच्छी बात है भाई। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है इनको लेकर। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि WWE के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को लेकर, जो कि रिलेटेड है गंथर से। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई गंथर एक काफ़ी बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी इनको जाना जाता है, लेकिन केविन सोलोवेन अगर आप लोग नहीं जानते रहोगे तो एक लेजेंड है। तो यहाँ पर केविन सोलोवेन की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि भाई ब्रॉक लेसनर अगर करेंटली WWE के साथ में नहीं है तो WWE को यहाँ पर एक ऐसा सुपरस्टार जो कि आगे लाना चाहिए, स्टेप अप करवाना चाहिए, जो कि ब्रॉक लेसनर की जगह ले सके, रिप्लेस कर सके, और वो सुपरस्टार कोई और नहीं, वो सुपरस्टार गंथर हो सकते हैं। यानी कि द रिंग जनरल गंथर ब्रॉक लेसनर को प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके के वो सुपरस्टार है, उनके अंदर उस तरीके का करिश्मा दिखाई देता है, दैन चांसेस काफ़ी अच्छे खासे कि गंथर यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। भाई यहाँ पर गंथर की बात नहीं है, मतलब ब्रॉक लेसनर को वैसे भी कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी गंथर मे बी, देखते वैसे उनकी बुकिंग कैसी होती है, तो उस हिसाब से मतलब देखना रहेगा कि भाई गंथर को सही में रिप्लेस कर पाते भी है या फिर ब्रॉक लेसनर को या फिर नहीं। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो सेथ रॉलिंस जो कि अपने रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर वो डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं द पीपल्स चैंप द ब्रामा बुल द रॉक को लेकर, जहाँ पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि भाई देखो यार, ये जो द रॉक है ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा पार्ट टाइमर है, एंड इवन अभी तो यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने किसी का स्पॉट छीन के मैच लिया है। मैच लेने के बाद यहाँ पर जो द रॉक है वो यहाँ पर आएंगे तो सही, ठीक है, एक मैच रसल करेंगे, देन इसके बाद वो वापस से हॉलीवुड में चले जाएंगे, अपने उन सारी चीज़ों के लिए वापस चले जाएंगे। WWE के अंदर ये कभी रेगुलर देखने को मिलते तो है नहीं, तो यही कुछ यहाँ पर सेथ रॉलिंस की तरफ से कंप्लेन देखने को मिलता है जो कि द रॉक को लेकर, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि हम लोग कर रहे हैं मेहनत,
और ये द रॉक जो कि पार्ट टाइमर आके टाइम पास करके ले जा रहा है, मतलब ये कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी बेसिकली वही फेस एज अ सुपरस्टार जो प्रोमो कट करते हैं वही थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आप लोग का क्या कहना है भाई इसको लेकर कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये द रॉक एंड रोमन रेंस से रिलेटेड है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें आज शाम तक मुझे यहाँ तक लगता है देखने को मिल जाएगा। सो द रॉक एंड रोमन रेंस दोनों पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लास्ट वीगस में, एंड रसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। दोनों की ऑफिशियल वीडियो भी जो कि ट्विटर अकाउंट पर WWE के देखने को मिल चुकी है। तो भाई रोमन रेंस का इसके पहले वार्निंग भी थोड़ा बहुत देखने को मिल चुका है ट्वीट में करके, जो कि रसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो काफ़ी कुछ अच्छा खासा माहौल बना चुके हैं। लेट्स सी हमें क्या कुछ देखने को मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी वीडियो चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस, एंड हाँ प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे भी फॉलो कर लिया करो। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।